राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। यूक्रेन के हालात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत पर पीएम मोदी का जोर रहा। पीएम मोदी ने दोनों देशों की बातचीत की कोशिशों की तारीफ की, क्योंकि एक तरफ मैदाने जंग में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ बेलारूस में तीसरे दौर की वार्ता होनी है, यानी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया गया है और दोनों देशों की इस कोशिश का समर्थन और तारीफ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने पर भी चर्चा हुई। आज पुतिन से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, बातचीत में कौन कौन सी प्रमुख बातों पर चर्चा हुई जरा बताइए, और जैसी की संभावना थी, उम्मीद थी कि जो 700 छात्र सूमी में फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द वतन वापसी सुनिश्चित कराई जाए, ये भी बातचीत का एक प्रमुख एजेंडा था। बिल्कुल बिल्कुल समीर, जैसा कि टीवी 9 भारतवर्ष सुबह 9 बजे से ही बता रहा है और दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री सूमी में फंसे हुए भारतीयों को लेकर बहुत चिंतित हैं, और आज की जो बातचीत जेलेंस्की के साथ हुई है उसमें इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री ने की, और उन्होंने सराहना भी किया कि अब तक जितने बच्चों को निकाला गया हो, चाहे चीन से निकाला गया हो, खार्किव से निकाला गया हो, दूसरे अन्य शहरों से निकाला गया हो, लेकिन अब जब अंतिम चरण वहां से बच्चों को निकाला जा रहा है, सूमी में लगातार हवाई बमबारी हो रहा था और वैसे में बच्चे फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए जो प्रयास वहां की सरकार कर रही है उसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आप आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे निकालने का, मुझे इसका और भरोसा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। तीसरे देश की इसमें एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि दोनों खुद बात करें, आपसी बातचीत से ही समस्या का निदान होगा, और उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। तो ये अब तक का डेवलपमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और ये बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पहल का न सिर्फ स्वागत किया है, समर्थन किया है, बल्कि इसकी तारीफ भी की है कि देखिए एक तरफ युद्ध चल रहा है लेकिन फिर भी दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता छोड़ा नहीं है, बातचीत भी चल रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।